हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही हूँ पूजा के लिए खाना। और पूजा के लिए मैंने खीर वगैरह बनाई थी, खीर पूड़ी वगैरह भोग लगाने के बाद। और फिर मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने लिए हम लोगों के लिए खाने के लिए कचौड़ियाँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ बना रही हूँ मैं कचौड़ियाँ और बहुत लेट हो गया आज हमारा खाना, क्योंकि पहले पूजा का खाना बनाया था। तो पूजा करने के बाद अब अपने खाने के लिए बना रहे हैं हम लोग। और कचौड़ियों में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कचौड़ियों में। तो मैं तो वैसे भी सिम गैस पे बनाती हूँ, तो इससे ना क्रिस्पी बन जाती हैं, काफ़ी क्रिस्पी बनती हैं, तो अच्छी लगती हैं क्रिस्पी। और यहाँ पर लंच करने के बाद मैं बना रही थी रंगोली, क्योंकि 3-4 रंगोली बनानी थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना रही हूँ रंगोली, और जो है अंदर एक रंगोली मैं बना के आई हूँ और एक रंगोली बनाऊंगी मैं यहाँ पर। और बेटी बाहर बना रही है, मेन गेट पे रंगोली बना रही है। और ये देखिए, ये है करवा चौथ का करवा, और इसी से मैं डेकोरेट करूँगी रंगोली को। और ये मैं आपको रात को दिखाऊंगी, जब दीपक वगैरह चला के रखूंगी ना रंगोली पे, तभी आपको दिखाऊंगी सारी रंगोली। और दिवाली वाले दिन ना जितने भी लोग हो ना, उतने ही कम है घर को डेकोरेशन करने के लिए, घर को डेकोरेट करने के लिए। और अब मैं जा रही हूँ बनाने रंगोली। बहुत ज्यादा काम हो जाता है दिवाली वाले दिन ना, अभी खाना वाना खा के हम लोग फ्री हुए हैं, मतलब किचन वगैरह क्लीन कर ली है, और अब जो है बस डेकोरेशन का काम है, फिर पूजा की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो बस काम ही काम है आज के दिन। और रंगोली बनाने के बाद जो है मैं लक्ष्मी माता के पैर में लगा रही थी, और पता है मैं भूल ही गई थी, तो फिर मैंने ना एकदम याद आ गया। फिर मैंने हमारे जो सामने रहते हैं ना नेबर, उनके यहाँ मैंने देखा, फिर मैं एकदम ही याद आ गई, नहीं तो सामान में रखे ही रह जाती है। और फिर बेटे ने भी मुझे याद दिलाया था कि मम्मी हर साल आप लगाते हो वो पैर, वो तो आपने लगाई नहीं। तो इसी वजह से फिर मैंने जो है सब जगह जो है जहाँ पर लगाने हैं वहाँ पर मैंने माता रानी के पैर भी लगाए। और यहाँ पर ना मैं दिए वगैरह तैयार कर रही थी, और पता है मेरे से गलती हो गई, एक दिए मैंने तैयार तो पहले से कर लिए, लेकिन फिर मैंने इसमें जो रुई की बाती होती है वो भी डाल दी, और उसमें तेल भी डाल दिया। तो पता है क्या हुआ, वो धीरे धीरे ना, 1 घंटे पहले ही मैंने लगाने से 1 घंटे पहले तैयार कर रही थी ना, तो वो धीरे धीरे ना वो बाती से ना तेल टपकता रहा, और पता है फिर पूरी किचन में ना तेल ही तेल हो गया था। तो फिर ये मैंने गलती कर दी कि 1-2 घंटे पहले ही मैंने सारे दिए तैयार कर लिए। तो इसीलिए जो है, जब दिए लगाने हो ना तभी दिए मैं तेल वगैरह डालूँ तो तभी सही रहता है। तो फिर यहाँ पर जो है मैंने सारे कपड़े वगैरह उतार रही थी, मैंने कहा फिर तैयार होने के बाद ना फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर कोई काम करने का मन ही नहीं करता साड़ी पहनने के बाद। तो मैं यहाँ पर देखिए पूजा की तैयारी करी थी, क्योंकि पूजा का ना टाइम हो रहा था। तो फिर मैं यहाँ पर पूजा की माता रानी की चौकी लगा रही थी, और ये देखिए मैं कपड़ा लेके आई थी, काफ़ी मन से कपड़ा लेके आई थी मैं, और बहुत ही सुंदर लगा था मुझे ये रेड कलर का कपड़ा। और यहाँ देखिए, पता है क्या, रंगोली मैंने दोपहर में बना तो दी थी, लेकिन ना सारी पता नहीं कैसे थोड़ी थोड़ी ना सारी खराब ही हो गई थी, पता नहीं। फिर मैंने दोबारा इसे ना पूजा की तैयारी करने के बाद ना रंगोली फिर मैंने दोबारा सही करी। तो ये देखिए, मेरे को ना थोड़ा अचानक ही थोड़ा आइडिया सा आया, मैंने कहा थोड़ा सा कलर बचा था रंगोली का, उससे मैंने थोड़ा सा कलर से बनाई रंगोली। फिर उसके बाद ना आम के पत्ते भी रखे हुए थे, तो फिर मैंने आम के पत्तों से भी और फूल भी थे, तो मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ना ये एक रंगोली बना दी। और ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल इंस्टेंट रंगोली है ये। और जो है मेरे पास ना एक प्लास्टिक की जो मार्केट से माला होती है ना, मिलती है मार्केट में, वो मैंने फोल्ड कर दी थी सिंपल। और फिर मैंने ना जो है चारों तरफ उसके गेंदे की माला लगा दी थी, तो ये बन गई रंगोली, बहुत ही सुंदर रंग, सबसे प्यारी रंगोली वही लग रही थी जो इंस्टेंट रंगोली थी। और यहाँ देखिए, रंगोली वगैरह बनाने के बाद ना, तो मैं यहाँ पर जो है दीपक वगैरह तैयार कर रही थी।
दीपक वगैरह तैयार करने के बाद जो है सारे साड़ी भी मैं साड़ी में भी ना वो तेल भी लग गया था। मैंने साड़ी पहनने के बाद दीपक वगैरह लगाए तो सही, लेकिन पता है जगह जगह ना वो तेल भी लग गया था, पता नहीं क्या। दीपक मेरे ख़राब ही हो गए थे सारे पहले से तैयार करने की वजह से ना। और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से घर को डेकोरेट किया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और यहाँ देखिए देखिए, ये है जो मैं कह रही थी कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये रंगोली लग रही थी, और मैंने प्लास्टिक की माला फोल्ड कर दी थी एकदम, और जो है बिल्कुल इंस्टेंट बन गई थी ये रंगोली। और यहाँ देखिए है मेन गेट, जो कि मैंने चारा डेकोरेट तो नहीं किया था, लेकिन हाँ वीडियो में इतना सुंदर नहीं लग रहा, लेकिन सामने जो है बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था गेट ये। और ये देखिए ये बनाई है मेरी बेटी ने रंगोली, और जो है बहुत ही सुंदर रंगोली बनाती है वो, लेकिन अब की बार ना उसकी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो बस इसने बनाई दी हिम्मत करके। ये देखिए ये भी मैंने माला को एक सिंपल फोल्ड करके ही, ये भी इंस्टेंट रंगोली है, ये भी माला को फोल्ड करके मैंने तुरंत मैंने बना दी थी रंगोली, और बहुत ही प्यारी लग रही थी, मतलब एकदम ही मेरे माइंड में आया। तो मैं चलाने जा रही हूँ ये फुलझड़ी, और बस यही चलाती हूँ मैं, और तो कुछ ज़्यादा चलाती नहीं। तो गोनू आ जा, ये ये है हमारी बालकनी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी, ये तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। और लेकिन पता है क्या, सारे में लेफ्ट साइड में जो शीशे हैं ना, उधर की साइड तो हमने लगाई नहीं थी, और ये भी काफ़ी मुश्किल से लगाई, क्योंकि हम लोगों ने ना टेप से इसे एडजस्ट किया था, इसी वजह से ना बार बार हट रही थी टेप, तो बस ये हमने लगा ही दी, क्योंकि जो है कील वगैरह लगाने की कोई स्पेस नहीं थी वहाँ पर, तो हमने टेप से ही लगाई थी ये लड़ियाँ। और देखिए यहाँ पर ना मैं इंस्टाग्राम के लिए रील बनाने की कोशिश कर रही थी, और बनाई भी थी मैंने, और क्या कहते हैं फिर उसके बाद पूजा वगैरह करके हम लोग फ्री हो गए थे। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने साड़ी पहनी है ना, ये देखिए ये साड़ी जो मैंने पहनी हुई है, और ये मेरी शादी के टाइम की साड़ी है, और काफ़ी टाइम बाद मैंने पहनी है ये साड़ी, और मतलब जब मुझे दिखाई देगी तो मेरा मन कर गया, मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया, कई साल हो गए इस साड़ी को मैंने नहीं पहना, तो मेरा मन कर गया, मैंने कहा रेड साड़ी पहन पहन के अब मैं बोर हो गई हूँ, और जो है मैंने इसीलिए थोड़ा डिफरेंट कलर ही पहना है। तो कमेंट करके बताइएगा कि साड़ी कैसी लग रही है, और सिंपल सोबर साड़ी पहनी है। तो फ्रेंड्स बेटा मेरा चला रहा है पटाखे, और ज़्यादा हैवी पटाखे तो नहीं लेके आए वो, देखिए किस तरीके से चला रहा है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए ना हम छोटे छोटे वो जो पटाखे होते हैं ना माचिस वाले, वही लेके आए थे, और जो फेंकने वाले होते हैं वही पटाखे लेके आए थे, क्योंकि ना मार्केट में मिल ही नहीं रहे थे पटाखे बिल्कुल भी, तो फुलझड़ी वगैरह। और लेकिन उसे ना उसे शौक़ भी बहुत ज़्यादा है पटाखे चलाने का, लेकिन इस बार नहीं लेके आए ना हम लोग,
तो काफ़ी ज़्यादा उसे दुख हो रहा था, मम्मी लग ही नहीं रहा बिल्कुल दिवाली जैसा, बिल्कुल पटाखे तो लेके ही नहीं आए। मैंने कहा बेटा कहाँ से लेके आती, मार्केट में थे ही नहीं। तो फ्रेंड्स काफ़ी टाइम हो गया है और बच्चों के लिए अभी मैं सारी तैयारी मैंने खाने के लिए कल खाने की कर दी थी और अभी खाना सेकना है मुझे, खाना बनाना है और कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद तब जाके फ्री होंगी मैं किचन वगैरह क्लीन करने के बाद। और बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं दिवाली वाले दिन ना, काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है पूजा का डेकोरेशन का। तो मैं यहीं पर व्लॉग का एंड करती हूँ और व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए व्लॉग के साथ और आप सबको हैप्पी दिवाली और ठीक है, बाय बाय।